कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां एक तरफ साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं पिछले एक सप्ताह से कोडरमा जिले के एकमात्र गौशाला श्री कोडरमा गौशाला के प्रांगण में साफ सफाई पूरी तरह ठप है। साफ सफाई ठप होने के पीछे का कारण है वहां कार्यरत महिलाओं के द्वारा दैनिक वेतन बढ़ाने की मांग। दरअसल कई वर्षों से काम कर रही महिलाओं का दैनिक वेतन 180 रुपए था, जिसे अब घटाकर 145 रुपए कर दिया गया है। ऐसे में महिलाओं ने इसके खिलाफ आक्रोश जाहिर करते हुए काम ठप कर दिया है और वेतन बढ़ाने की मांग कर रही है। कितना कम मिल रहा है अभी? 145 कर दी है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमने का काम नथी तो काम चाहिए ड्यूटी काम कर सकता है क्या? मैं काम करते तो जब दिन से काम कर लिए 40 साल से हिसाब दे दे वही। इस मुद्दे पर गौशाला समिति का कहना है कि उनकी आमदनी भी कम हो चुकी है। कुल मिलाकर प्रत्येक महीने 5 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि दूध की बिक्री से मात्र 2 लाख रुपए की ही आमदनी हो पाती है। वहीं विभिन्न इलाकों से जब्त किए गए 60 गौवंशों को भी गौशाला में रखा गया है, जिसका खर्च गौशाला समिति के ऊपर आ रहा है। ऐसे में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और अतिरिक्त खर्च भी बढ़ गए हैं। परमानेंट व्यवस्था में हम लोगों ने कंपाउंडर रखा हुआ है जो कि रोज आता है और रोज गाय कोई प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करता है। लेकिन हम लोग को समस्या है कि हम लोगों को ब्लॉक से कोई दवा नहीं मिलती। जो दवा मिलनी चाहिए, जो वहाँ पे दवा रहती है, वो हमें गौशाला मिलनी चाहिए। दवा का खर्च बहुत है, इसलिए हम चाहेंगे कि हम लोगों को ब्लॉक से दवा भी मिले। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।